सो आज की इस वीडियो में आईक्यू का लेंथ के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ चेंजेस हुआ है, साथ में स्काई स्पोर्ट्स का क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो चुका है उसमें भी कुछ चीजें हैं वो भी बताऊंगा, और एक और टूर्नामेंट है। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। सो अब बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था आईक्यू लेंथ के बारे में कंप्लीट डिटेल, लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुआ है। कल एक पोस्ट आया था तो उसमें यहाँ पे जो टीम्स है वो पहले देख सकते हो, ये 16 टीम्स खेलने वाली है, लेकिन इसमें लाइनअप में और कुछ टीम्स का नेम चेंज हुआ है। सो देख सकते हो, सबसे पहले DS Esports जो थी उनका यहाँ पे नेम हो जाएगा एनिग्मा गेमिंग, मतलब वो जो लाइनअप है वो एनिग्मा में ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब नाम हम लोग को एनिग्मा दिखेगा। सेकंड है, अपोलो ज्वाइन कर चुके हैं गॉड लाइक। सो ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि जो पोस्ट था उसमें गुजरात टाइगर में थे, लेकिन कन्फर्म हो चुका है अपोलो गॉड लाइक से खेलेंगे रिप्लेसिंग मैक, वैसे मैक तो थे ही नहीं। एंड फिर उसके बाद रेवन शार्प ज्वाइन टीम तमिलाज, तो वो खेलेंगे टीम तमिलाज से। फिर उसके बाद है सैडो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये चीज़ कि जो टीम जीरो के सैडो थे वो टीम एक्सिस पार्क में आईजीएलिंग करने वाले हैं रिप्लेसिंग ड्रीम्स, सो ड्रीम्स के जगह आप आईजीएलिंग करेंगे और ड्रीम्स एज अ फिफ्थ मैन रहेंगे। एंड उसके बाद एक और है लेब्रॉन जॉइंस एनिग्मा रिप्लेसिंग रेडॉक्स, मतलब लेब्रॉन एनिग्मा गेमिंग में खेलने वाले हैं, एक अंडरडॉग प्लेयर है एक तरह से। सो ये कुछ चेंजेस है जो कि हम लोग को अब फिक्स कर चुका है, कन्फर्म हो चुका है, तो ये एक बढ़िया न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे ये पोस्ट भी आया ऑफिशियल्स के थ्रू, नहीं तो भाई अगर ये नहीं आता तो बहुत सारे लोग फालतू का हेट फैलाते। एंड ये तो हो गया है, फिर यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि इसमें पॉइंट्स टेबल क्या रहने वाला है, मतलब पॉइंट सिस्टम। सो ये 10 पॉइंट सिस्टम होने वाला है, मतलब जो चिकन ने कहा उसको 10, फिर उसके बाद 6, 5, 4 जो आपको पता है जो हम लोग का अभी हाल में टूर्नामेंट चल रहा था, और अब जो भी टूर्नामेंट होगा वो इसी पॉइंट सिस्टम में होगा। तो अब कोई पूछना मत क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे, सो मैं क्लियर किया। एंड इसका मैप शेड्यूल भी देख सकते हो, 22 से मैचेस स्टार्ट है, तो इरेंगल मीरामर सैनोक विकेंडी मीरामर इरेंगल, मैचेस टाइमिंग लगभग 5 PM हो जाएगा स्टार्ट, और 6 मैचेस चलेगा डेली, लैन एंट्री वो सब तो भाई हम लोग को 4 बजे से मिल जाएगा, आप लोग लैन पे जाकर इंजॉय कर सकते हो। और टिकट बुकिंग का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कुछ लोग DM भी किए थे, तो देखो टिकट बुकिंग हुआ था मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अभी फुल हो चुका है, मतलब स्लॉट फुल एक तरह से। सो अभी यहाँ पे आप लोग IQ का पेज को फॉलो रख सकते हो, अगर वो लोग कुछ भी पोस्ट करेंगे या फिर टिकट इंक्रीज करेंगे तो आप लोग फटाफट रजिस्टर मतलब बुक कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, अगर कोई मुझे बंदा मिलता है, अगर आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा टिकट बाय किए हो और नहीं जाने वाले हो तो मुझे यहाँ पे इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं किसी और को दिलवा दूंगा, या फिर भाई आप लोग लैन पे भी जाओ वहाँ पे भी मिलेगा, चांसेस है। सो देखते यार, वैसे अभी तो यहाँ पे टाइम है और अभी प्लेयर्स यहाँ पे आज या कल तक में पहुँच जाएंगे लैन वेन्यू पे जहाँ पे सूट सब चल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट स्काई स्पोर्ट्स के बारे में। सो कल के वीडियो में मैंने बताया था स्काई स्पोर्ट्स का क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो सकता है, और यस कल क्वार्टर फाइनल्स ग्रुप बी स्टार्ट हुआ था। ग्रुप बी का टीम्स यहाँ पे देखोगे तो TWOB आ चुकी है, कार्निवल गेमिंग हट चुकी है, ये भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कार्निवल गेमिंग कहाँ गई। सो मैंने आपको पहले बताया था कार्निवल गेमिंग नहीं खेलेगी, हेक्टर ने ऐसा बोला था, और यस कन्फर्म हो चुका है। बाकी जो टीम्स थी वो सेम है, वही जो मैंने आपको पहले दिखा के रखा था यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी टीम्स का कल मैचेस हो गया था 6 मैचेस, और आज इसका फाइनल डे होगा, 6 मैचेस होगा, और उसके बाद जो टॉप 9 टीम्स होगी वो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल्स के लिए। और सेमीफाइनल्स में ग्रुप ए से ये टीम्स क्वालिफाई कर चुकी थी, यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें TXB भी है और भी बहुत सारी टीम्स है, और सेमीफाइनल्स में 6 टीम्स इन्वाइटेड थी। सो अब सेमीफाइनल्स जो है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो अभी आप लोग वेट कर सकते हो, और वो लाइव स्ट्रीम होगा। तो अभी जो क्वार्टर फाइनल चल रहा है जो कि आज भी होगा, वो भी लाइव स्ट्रीम नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते यार, यहाँ पे अभी कोई टूर्नामेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ मजा आने वाला है। और IQ का लैंड में आप लोग पता ना आप लोग किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो, और उसी के साथ एक और टूर्नामेंट है जो कि स्टार्ट होने वाला है। सो देख सकते हो OnePlus Dominate Arena, ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन चल रहा था, और अभी तो यहाँ पे राउंड जो अंडरडॉग्स का है वो राउंड खत्म भी हो चुका है। सो 26 से लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टिंग चालू होने वाला है, बोल सकते हो एक तरह से सेमीफाइनल स्टार्ट होगा, जिसमें कुछ इनवाइटेड टीम्स भी होगी, T1 टीम्स, पिछला मंथ भी हुआ था, ये हर महीना अभी चलता आ रहा है। सो इसका प्राइस पूरा 3 लाख, जिसमें मेन टीम्स तो नहीं दिखेगी, जैसे सोल गॉड लाइक तो नहीं रहेगी, बट बहुत सारे T1 टीम्स रहेगी और बहुत सारे अंडरडॉग टीम्स, तो ये भी आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना, जो मुझे बताना था ये टूर्नामेंट डिटेल्स के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।